मेरे हुजूर ने जिंदगी का खूबसूरत जाविया हमें अता फरमाया कि अल्लाह के नजदीक जो महबूब तरीन आमाल हैं उनमें से एक अमल ही है, किसी मोमिन के दिल में खुशी दाखिल कर देना। आपका कोई रवैया किसी को खुश कर दे। फरमाया कि नेकी को छोटा ना समझो, और अगरचे तुम अपने मोमिन भाई से मुस्करा कर ही क्यों नहीं मिलते। छोटी छोटी नेकियां हैं। आप बिल जमा करवाने जा रहे हैं, कोई बूढ़ा शख्स देखा बेचारा मुश्किल से खड़ा है, तो आप उसको आगे कर दें या उसका बिल अपने जुम्मे ले लें कि आप यहाँ बैठे मियाँ जी, मैं आपका बिल पे करके आपको जो है वो दे देता हूँ। तो ये इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो हमने एक माइंड सेट रखा है कि ये नहीं कि इतने नफल पढ़ेंगे तो इतना सवाब होगा, इसमें कोई बात नहीं। देख तकसीम करेंगे तो इतना सवाब होगा, इसमें कोई हर्ज नहीं, सवाब होगा, बहुत बड़ी नेकी है। गर्मी की शिद्दत है तो आप पानी पेश कर दें, सर्दी की शिद्दत है तो अफजल पानी नहीं होगा, चाय पेश करना होगी, गर्म चीज पेश करना, सूप पेश करना ज्यादा अफजल हो जाएगा। अब गर्मी में ठंडा पानी, यख बस्ता पानी हो, या आइसक्रीम आप गर्मी में किसी आने वाले शख्स को खिलाते हैं तो वो खुश भी होगा, आपको सवाब भी मिलेगा, पानी का सवाब है। लेकिन सर्दियों में ठिठरता हुआ आए और आप बर्फ वाला पानी उसको पेश करें तो काम तो वही किया जो गर्मी ने किया था, लेकिन आप उसका सवाब नहीं होगा क्योंकि उसको खुशी नहीं होगी और फायदा नहीं होगा। उसके दिल में जो खुशी पैदा होनी है उसका सवाब आपको मिलना है। तो जब नंगा कोई हो, किसी पास कपड़े ना हो, तो उसको आप कपड़े पहनाएंगे, भूखा हो खाना खिलाएंगे तो ये सवाब है। और अगर उसका मसला कोई और है, उसको दवाई चाहिए, तो आप उसको कहते हैं कि नहीं आप लंगर ही खाएं, मैं आपको सूट ही दूंगा, तो ये कोई बात ना हो। जरूरत है, सर्दियों में ये देना है, गर्मियों में देना है, उसकी जरूरत को पूरा करना है। आजकल आप गुजर रहे हैं एक प्लाट के अंदर, आपने देखा कि उजड़ियां पड़ी हुई हैं, अंतड़ियां पड़ी हुई हैं, तफन फैल रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं, हमसाए भी परेशान हो रहे हैं, उनके यहाँ शौर की कमी है, या उनके पास रकम नहीं है, या किसी वजह से वो उठाने से कासर हैं कि वो उठाए एक दूसरे पर डाल रहे हैं। तो आपने वहां खड़े होकर कोसने दिए, मोहल्ले वालों को बुरा कहा, एक तो आपका ये काम था ये आपने किया और ये सारे कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने वहां किसी ट्राली वाले को रोका और कहा कि ये उठाओ कितने पैसे लोगे, उसने कहा मैं 2000 रुपया लूंगा, तो आपने 2000 जेब से निकाल कर उसको दिया और कहा कि ये उठा के कहीं फेंक दो, मैं आधे घंटे के बाद देख लेता हूँ, तो वो उठा के कहीं फेंक आया, आपने चावलों की देख पकाकर बांटी नहीं है, आप समझे शायद वही नेकी है। वो नेकी थी उस वक्त जरूरत की, ईदैन का मौका था, ये नेकी थी। तो ये छोटे छोटे बजाहिर काम होते हैं जिससे लोगों को फायदा हो, अल्लाह की मखलूक को फायदा पहुंचे, लोगों को राहत पहुंचे। मेरा एक मिलने वाला दोस्त है, तो वो ट्रेन पर जा रहा था, पेशावरी चप्पल उसने पहनी हुई थी, तो वो दरवाजे में खड़ा था, तो अचानक वो ढीली हुई तो उसकी चप्पल गिर गई, तो उसने जल्दी जल्दी दूसरा जूता उतार करके फेंक दिया। उसने कहा कि ये मेरे काम तो नहीं आएगा और वो जो उठाएगा उसके काम भी नहीं आएगा, तो कम से कम ये जज्बा था जिसने फौरी फैसला किया, ये जज्बा था किसी के काम आना चाहिए, तो उसने जल्दी से दूसरा जो है वो पेश कर दिया। कयामत के दिन एक शख्स का नामा माल तुलेगा तो एक ही नेकी कम होगी, अगर एक नेकी मिल जाती है तो पड़ला नेकियों वाला भारी होगा, फरमाया जाएगा जाओ कोई दूसरी नेकी ले आओ। अब जिससे मांगेगा वो कहेगा मैं क्यों दूं, मैं तो खुद फंसा हुआ, यौमा यफिर्रुल मर्उ मिन अखीहि व उम्मिही व अबीहि, माँ भी भागेगी, बेटा भाई अपनी पड़ी होगी, सबको बेचारा परेशान घूम रहा होगा। एक शख्स पूछेगा क्यों परेशान हो, तो कहेगा कि नामा आमाल में मुझे सिर्फ एक नेकी चाहिए, और काश दुनिया पर इतना वक्त था कर लेता, लेकिन वहां तो कर नहीं सका और आज कोई दे नहीं रहा। उसने कहा मेरे पास एक ही नेकी है तो मुझे तो कुछ उससे मिलेगा नहीं, तो चल मैं तुझे दान करता हूं। तो वो ला के पलड़े में रखेगा तो पलड़ा भारी हो जाएगा, तो आवाज आएगी कि ये किसने तेरे पे दान किया, कहा एक बंदा मिला उसके पास एक ही नेकी थी उसने वो भी दे दी, तो फरमाया तुझे तो बख्शा उसूल के तहत कि तेरी नेकियां ज्यादा हो गई, लेकिन वो मेरे से बड़ा सखी नहीं, जाओ बुलाओ, मैंने उसकी भी मकसद फरमा दी। ईसार का ये फायदा है। तो उसने जूता दूसरा फेंक दिया, उसने कहा चलो मैं तो एक का क्या करूंगा, तो ये उसका तो फायदा हो जाए। तो लोगों के लिए आसानियां, लोगों के लिए सहूलतें, अल्लाह की मखलूक के लिए शफीक बन जाओ, अल्लाह की मखलूक के लिए रहम करने वाले बन जाओ, तबीयतों में नरमी पैदा करो, रिक्कत पैदा करो, लोगों की पर्दा पोशी करो, लोगों से दरगुजर करो, एराज करो, लोगों के मामलात में दखल ना दो, लोगों को अजियत में मुबतला ना करो।